हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। हाँ बेटा बोलो। क्या बैग? वो तुम्हारा नहीं है। पूछ रहा है कि बैग किसका है। तो गाइस सबसे पहले आप मेरे बेटे से मिलिए। आप चलो हाय कर दो, सबको हाय कर दो। हाय। तो गाइस ये मेरा प्यारा सा बेटा और ये हमारा भतीजा आ गया। हाय बोलो। हाय बोलो बोलो। तो ये बेटा हमारा बोल नहीं पाता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो गाइस चलिए, आज का जो है 8 तारीख रहेगी और आज 8 नवंबर है। तो गाइस आज हम आपको देखते हैं कहाँ घुमा पाते हैं, लेकिन आज का जो टारगेट रहेगा, आज मेला है तो मेला मथुरा का जो बहुत बड़ा तगड़ा मेला लग रहा है मथुरा में, ठीक है। तो इसके अलावा आज जो है फिल्म जो अभिनेत्री हैं हेमा मालिनी, आप सब लोग जानते होंगे हेमा मालिनी फिल्म अभिनेत्री प्लस मथुरा की सांसद, आज आने वाली हैं इस ग्राउंड में। तो हो सकता है आज हम आपको वहाँ लेके चलेंगे और आप जो है आपको सभी को प्रोग्राम दिखाएंगे और शायद वहाँ नृत्य प्रोग्राम भी होने वाला है। तो नृत्य प्रोग्राम होगा वो भी आपको शेयर कराएंगे। तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा एंजॉय कीजिएगा। आज का दिन कैसा जाता है आप देखते रहिए दोस्तों। तो गाइस सुबह मैंने ब्लॉग शुरू किया था, आज दिन में ब्लॉग पूरा बना नहीं पाया। तो अभी क्या है, देखिए टाइम हो रहा है हमारा 4:30, 4:45 होने जा रहा है। तो गाइस 4:45 होने जा रहा है। तो फिलहाल मैं जाता हूँ, हमारे जो मथुरा में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है रेलवे ग्राउंड में, मैं रेलवे ग्राउंड मैदान में जाता हूँ। तो देखता हूँ आज कौन आने वाला है। मैं तो हेमा मालिनी की बात सुनने में आ रही थी, जो अभिनेत्री है हेमा मालिनी मथुरा की सांसद, आज वो आएंगी और वहाँ प्रोग्राम भी है आज। तो फिलहाल हम बाजार के लिए निकलते हैं यहाँ से और देखेंगे क्या क्या आते हैं आपको। और ये मेरे प्यारे क्यूट से बेबी, तीनों बच्चे शरारत करते हुए, तो इनसे मुलाकात करेंगे शाम को और आपकी भी मुलाकात करें। फिलहाल हम जा रहे हैं मेला। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ मेले में और यहाँ बहुत गजब का जबरदस्त मेला लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे। पहले बैनर दिखा देता हूँ, बैनर की कौन कौन आते, कौन कौन आया था। तो गाइस ये देख लीजिए। तो दोस्तों पहले दिन जो है 1 नवंबर को हंसराज रघुवंशी आए थे, 1 नवंबर को हंसराज रघुवंशी, 2 नवंबर को माधवाज बैंड आए थे, उसके बाद 3 नवंबर और ये 4 नवंबर हेमंत ब्रजवासी आए थे, और 5 नवंबर, 6 नवंबर और 7 नवंबर। तो गाइस ये लोग जो आ चुके हैं, इसके बाद 8 नवंबर जो है हेमा मालिनी जी का प्रोग्राम था 8 नवंबर क्या नाम है शाम को जवाहर बाग में, तो इनका प्रोग्राम जो है शाम को ही था वहाँ, लेकिन वीआईपी पास लगा हुआ था। इसके बाद 8 नवंबर को यहाँ पे गीतांजलि शर्मा, जो कि प्रोग्राम अभी अंदर चल रहा है इनका। इसके बाद आपका 9 नवंबर कवि सम्मेलन होगा। अब हम बात करते हैं 10 तारीख की। 10 तारीख को मैथिली ठाकुर आएंगी, जो कि बहुत अच्छी सिंगर हैं और लोग जानते भी हैं। और 10 तारीख को उस्मान मीर, 11 तारीख को ये लोग। तो गाइस ये लोग आने वाले हैं, अभी फिलहाल जो प्रोग्राम चल रहा है अंदर, अभी मैं अंदर चलता हूँ लेकर। सब हम एंट्री करने वाले हैं अंदर की तरफ और अंदर का जो नज़ारा है वो देखने लायक नज़ारा है दोस्तों। खाने का सिस्टम रखेंगे, देखिए पानी वानी खाने का सिस्टम है यहाँ, आपके टेबल्स लगी रहेंगी चारों तरफ। और जिन है जिनके साथ हमने फोटो कराया है, इतना गजब आनंद आ रहा है।
बहुत अद्भुत बहुत अद्भुत। छोले भटूरे साउथ इंडियन मद्रासी डोसा वगैरह वगैरह यहाँ बहुत कुछ आपको खाने को देखने को मिलेगा। मेला बहुत गजब का लगा हुआ है। ये बच्चों के लिए है दोस्तों, बच्चों के खेलने का आइटम है ये। साउंड भी ना रेल जैसा ही है भाई। अमेरिकन भुट्टा 50 रुपए का भाई, बहुत महंगा है यार 50 रुपए का भुट्टा। अब ये बाजार है, ये मतलब यहाँ मेला है, तो अब उल्टा सीधा रेट तो मिलेगा ही। 50 रुपए का भुट्टा, बाप रे। चलिए नृत्य देखते हैं। हाय हाय क्या गजेदार मजेदार। भैया कितने का ये? दोस्तों बारिश आ गई है, तो देखिए सारे लोग अपना अपना सामान को ढकना शुरू कर दिए हैं। देखिए बारिश की बूंदें आप देख रहे हैं नीचे, तो ये लोग अपना अपना सामान ढकना शुरू कर रहे हैं। भागा दौड़ी शुरू हो गई है पब्लिक के बीच में, क्योंकि भाई देखिए ये सारा भीगने वाला आइटम है, ये भी बेचारे अपना ढकेंगे तिरपाल से। तो ये देखिए सब कपड़े वपड़े हैं, सब अपना ढकना शुरू। ये सोफा देखिए, क्योंकि बारिश का टाइम, बारिश आएगी तो इनके लिए लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि सोफे हैं लकड़ी के और ये क्या नाम है कपड़े के हैं, तो ये गीले हो जाएंगे, तो इनके लिए दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी, तो इनको ये करना पड़ेगा इंतजाम अपना। और एक एक ये चप्पल हील सैंडल। भाई साहब बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो गई है भगदड़। भाई देख लो सारे लोग गायब होना शुरू हो गए यहाँ से, अब फील्ड में कोई नजर नहीं आएगा, सारे दबकना शुरू हो गए क्योंकि बारिश होगी तेज। मैं भी निकलता हूँ, मेरा भी अब जो है अब रुकने का कोई फायदा नहीं है, हमें भी जाना होगा दोस्तों। देखिए यहाँ ढकना तिरपाल ढकना शुरू, और बारिश लगातार तेज होती जा रही, क्योंकि यहाँ पे लाइट का सिस्टम भी है ना, तो यहाँ डर भी रहेगा लाइट में, क्योंकि कभी इलेक्ट्रॉनिक तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने का भी डर रहता है। भैया एक पान लेना, मीठा मीठा गाय। बारिश बहुत तेज हो चुकी है, मैंने तो पान खा लिया भाई। जबरदस्त बारिश, भगदड़ मचाना शुरू। तो भाई पब्लिक को भगदड़ मचा रही है, ज़्यादा मामला कर पड़े। मैं नज़दीक से हूँ तो मेरे को निकलना होगा अभी जस्ट यहाँ से, क्योंकि अगर मैं नहीं निकलूँगा तो मैं भीग जाऊँगा। तो नज़ारा देख लीजिए बारिश का। तो आपसे घर में लेंगे, फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि बारिश तेज होने वाली है और पड़ी रही है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी वरना। तो आपको मिलते हैं घर डायरेक्टली, तो चलिए फिलहाल घर की तरफ। तो गाइस मैं आ गया था, वैसे तो मेरे को घंटा हो गया आए हुए, टाइम 8:30 हो रहा है,
तो हम मुझे एक घंटा हो चुका आए हुए, खाना भी खा लिया है। खाने में मैंने ऑमलेट खाई थी, ऑमलेट चाउमीन, तो मैं तो खा के ख़त्म कर दिया। देखो यहाँ हरी मिर्च है और अंडे की ऑमलेट है और फालर की सब्जी है, चाउमीन भी है। चाउमीन देखिए मेरी बच्ची खा रही है चाउमीन, तो खा लिया कुछ, कुछ खा लिया, कुछ बच्चों ने खा लिया। तो गाइस मेले में क्या हुआ कि इंजॉय किया, काफ़ी मज़ा आया, बट वहाँ पे जो है बरसात आ गई तो भागदौड़ मची बहुत ज़्यादा, तो मेरे को भी वहाँ से जल्दी से भागना पड़ा, इधर आना पड़ा क्योंकि बारिश में भीग जाता मैं भी। तो वैसे मैं आपको बता दूँ, ये जो मेला चल रहा है 10 तारीख को मैताली ठाकुर आ रही है, जो कि बहुत बढ़िया सिंगर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। बाकी मैंने आपको बैनर में दिखा दिया, सारे लोग जो है आ चुके हैं, सारे सिंगर तो आ रहे हैं और कलाकार जो भी हैं, कवि हैं, सब आ रहे हैं, अपना अपना प्रोग्राम दिखा रहे हैं। 10 तारीख को मैथाली ठाकुर आएंगे मथुरा में, जिस किसी भाई को मैथाली ठाकुर का प्रोग्राम देखना वो आ सकता है, वेलकम है आपके लिए, और मुझे कमेंट कर देना, मैं मुलाकात भी कर लूँगा आपसे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का मेरा जो ब्लॉग है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार सभी लोगों को, गुड बाय।